हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन स्टूडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बैन को लेके एक बिल पेश होना है जो पार्लियामेंट के अंदर, और जब से ये न्यूज़ निकल के आई थी सब जगह पे पैनिक का माहौल था। लेकिन हर कोई उम्मीद कर रहा था कि बजट सेशन में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, वो कुछ बोलेंगी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके, डिजिटल करेंसी को लेके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जो है बजट पेश किया गया और उसके अंदर एक वर्ड तक नहीं बोला गया। तो जो पैनिक का माहौल बना हुआ था, कम से कम वो लोग तो अब थोड़ा सा शांत हो जाइए और लाइक ठोक दीजिए। मोटिवेशन हमारी भी बनी रहे और आप सबकी भी बनी रहे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर पहली बार आए हो, और शेयर करिए, क्योंकि हर कोई जो लोग पैनिक में थे कि बजट में क्या होगा, उनको ये पता चलना चाहिए कि भाई साहब यहाँ तो बात भी नहीं हुई फिलहाल बजट के अंदर। वो बिल जो आएगा वो एक अलग चीज़ है, आएगा भी नहीं आएगा वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इतना इंपॉर्टेंट मैटर होता क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए गवर्नमेंट के लिए, तो हो सकता था वो इस बारे में कुछ तो एक शब्द तो बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो लाइक करिएगा। और कल रात तक ऐसा पैनिक का, या सुबह तक भी आप कह सकते हो, ऐसा पैनिक का माहौल बनाया हुआ था। हम आपको लगातार यही बोल रहे थे कि अभी पैनिक मत करो, जब वो बिल पेश होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन हालत देखो इंडिया के अंदर क्या हो गया था। USDT की बात करें तो 60 रुपये पे बिका है, और आप देख सकते हो दोबारे से वो इंटरनेशनल मार्केट के रेट पे आ गया है, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट 72-73 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान उनका हुआ जिनके दिल थे कमज़ोर और उन्होंने कर लिया अपना नुकसान और पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए कहते हैं पैनिक मत कीजिए, जब भी कुछ भी होता है उसको सोच समझ के कीजिए। और बहुत बड़ी बड़ी क्या बातें हुई है बजट के अंदर, मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी वालों से रिलेटेड, कि भैया बिटकॉइन डिजिटल करेंसी से रिलेटेड बात ही नहीं हुई, कोई चीज़ बोली ही नहीं गई। और यहाँ पे बल्कि ये बोला गया कि आने वाले टाइम में डिजिटल पेमेंट्स को हम बढ़ावा देंगे। वो जो सर्टेन एक्सेप्शंस है ना, जो वर्ड है उस जो हमने वो बिल का देखा था कि न्यू बिल पेश होगा, तो उसके अंदर बहुत कुछ संभावनाएं आने वाले टाइम में हो सकती हैं। और अभी ये नहीं बोलना चाहिए 12वां नंबर आएगा, सीरियल वाइज वो पेश होंगे, वो कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा इस सेशन में पेश, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कृपया करके ये जो एग्जांपल फिर से सेट हुआ है कि इंडिया में पैनिक में जैसे लोगों ने बेचा, और आप देख सकते हो जिन्होंने मैन्युपुलेशन की होगी या जिन्होंने फ़ायदा उठाया होगा, वो USDT के अंदर जिसमें कोई आप कह सकते हो हलचल होनी ही नहीं चाहिए थी, वो उसके अंदर भी लोगों ने 10-15% का कमाई कर ली। तो आपको सोचना है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मोटा मोटा बजट सेशन के अंदर क्या क्या बोला गया था मैं आपको बता दूं। 75 साल से ज़्यादा लोगों से वो टैक्स नहीं लेंगे, मोबाइल थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे हर बार की तरह, ऐसी ऐसी बातें बोली गई। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो हर इनकम टैक्स पेयर से रिलेटेड है, कि इस बार कोई इनकम टैक्स के अंदर छूट नहीं है या कुछ और नहीं बढ़ाया घटाया है। तो ये ओवरऑल बात थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई वर्ड नहीं बोला गया है। अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी पैनिक मत करो और परेशान मत हो। और साथ के आप देख सकते हो इंडियन मार्केट में दोबारे से मार्केट रिकवर कर गई जैसे ही ये बजट खत्म हुआ। तो आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि समझदार आदमी यहाँ पे क्या करता है। आपको थोड़ा सा पक्का दिल करके चलना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो। जो सिचुएशन होगी वो आपके लिए और हम सब के लिए सेम होगी, और ऐसा कोई बैन भी होगा तो शायद कुछ आपको टाइम पीरियड मिलेगा कि भैया आप सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकें। तो पैनिक मत कीजिए, और इस चीज़ को हमेशा सोच समझ के अपने हिसाब से रिस्क को लेके, अपने रिस्क को कवर करके हमेशा आपको चलना चाहिए। तो मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आपके साथ में शेयर करनी चाहिए थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।